नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त केएन मौर्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। मित्रों, बहुत सारे मित्रों ने हमसे बात की थी कि सर, नीम का तेल हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हम नीम के फलियों से कैसे तैयार कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे हम घरेलू नीम का तेल या नीम के फलियों से दवा तैयार कर लें। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसी के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि बातें पूरी समझ में आ जाएं। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह अधिकतर किसानों के यहाँ या गांव में नीम के पेड़ अमूमन पाए जाते हैं, और इस समय यदि बात करूँ तो इस समय नीम के पेड़ों पे फलियाँ छोटी छोटी फलियाँ दिख रही हैं जो अब गिरना शुरू करेंगी, पकना शुरू करेंगी और गिरेंगी। अब इसमें इस नीम की फलियों से हम कैसे कीटनाशक तैयार कर सकते हैं इस पे मैं बात करूँगा। नीम का जो ये गुठली है, नीम की जो ये फली है, इसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं, नीमबिन, नीमसिन और एजेटोरेक्टिन, जो आपके कई काम करती हैं। एक तो ये बढ़िया कीटनाशक का काम करेगा, दूसरा आप नीम के तेल का प्रयोग करते हैं या इस औषधीय का प्रयोग जब बना कर करेंगे तो एक हल्का आपका फंगीसाइड का भी काम करेगा। तीसरी चीज़, यदि नीम आपके खेत घर के बगल में है, इसके पत्तों को अपने खेत में फैला दीजिए और उससे यूरिया छींटने से पहले यदि इसको फैला दीजिए तो ये यूरिया को उड़ने नहीं देता है। जो यूरिया धूप से क्रिया करके उड़ती है वो बहुत कम हो जाता है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पहले यूरिया आती थी, अब नीम लेपित यूरिया आ रही है। इसका नीम की बात करूं तो नीम के पौधा जो है पूरा, इसकी छाल, इसके पत्ते, इसकी फलियां सब हम औषधीय रूप में काम में ला सकते हैं। फलियों से ये पत्तों से भी कीटनाशक बनता है, उसकी विधि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो दर्शक नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, आप क्या करना है आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नीम की फलियाँ तोड़ लीजिए जितनी मात्रा में आपके पास अवेलेबल हो, अधिक से अधिक, कम से कम जितने एकड़ में आप जितने एकड़ के लिए बनाना चाह रहे हैं। अब नीम की फलियों को तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, नीम की फलियों को तोड़ेंगे तो इसमें देखिए एक बीज है, इसे हम खा भी सकते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह तो कतई नहीं है, इसे हम खा भी सकते हैं, ये हमें भी फायदा करेगा। तो इसकी जो हम फली निकाले हैं, इस फलियों को हमें कूटना है। कूटने के लिए आप गांव में हैं तो ओखल है, ओखल में कूट सकते हैं इसका, इसको किसी तरह हमें चटनी की तरह बना देनी है इसको। और ओखल नहीं है तो क्या करेंगे हम, आजकल मिक्सर ग्लेंडर लगभग हर घरों में पाए जाते हैं, तो मिक्सर में डाल करके ग्लेंड कर लेना है। लेना कितना है, 5 लीटर 10 लीटर के, 10 किलो का मैं बता रहा हूँ। यदि 10 किलो नीम की फली है, 10 किलो नीम की फली लीजिए, इस डंठल को तोड़ दीजिए, इन छोटी छोटी फलियों को इकट्ठा कर लीजिए और उनको आपको क्या करना है, मिक्सर में ग्लैंड कर लेना है। मिक्सर में जब डालिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, एकदम ग्लैंड होकर के एकदम ये बारीक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, एकदम चटनी की तरह हो जाएगा। इसको जब ग्लैंड कर लें तो थोड़ा सा जो है सारा ग्लैंड करने के बाद थोड़ा सा किसी एक बर्तन में, बड़े बर्तन में डालें। 10 किलो यदि आपने ये नीम लिया है तो आपको लगभग 20 से 25 लीटर पानी लेना है। 10 किलो नीम लिया है, 10 किलो नीम की चटनी बना ली तो 20 से 25 लीटर पानी लेना है। 20 से 25 लीटर पानी को एक बड़े से ड्रम में, जो 20 लीटर लिया है तो 30-40 लीटर का ड्रम हो या कोई ऐसा पात्र लीजिए जिसे आप ढक करके रख सकें। हमेशा ये जो क्रिया करेंगे, पहली शर्त यह है कि इसे छाया में करें, सारी क्रियाएं छाया में हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसे कर रहे हों तो आप ये ध्यान रखें कि जब इसे बना रहे हों तो इसमें दूसरी चीज़ें न जाएं, बाहर की चीज़ें न जाएं, इसलिए कोई ढक्कनदार डब्बा ले लीजिए जिसे आप सुबह शाम घुमा सकते हों। 10 किलो इसकी चटनी आपने बना ली है, नीम की चटनी में 20 से 25 लीटर पानी को डाल देना है। पानी को डालने के बाद आप इसे कम से कम 15 से 18 दिन के लिए छोड़ दें, 15 से 18 दिन के लिए छाए वाले स्थान पे, यदि बंद वाला डब्बा है तो बंद करके, और नहीं बंद करने वाला डब्बा नहीं है तो आप ऐसे ही डाल दें। यदि आपके पास पानी की स्थान पे यदि आपको गोमूत्र मिल जाए
देसी गाय का गोमूत्र हो तो उसमें 15 लीटर डाल लीजिए आप पानी और 10 लीटर गोमूत्र को डाल लें। गोमूत्र यदि आपने डाल दिया तो ये जो आपका कीटनाशक बनेगा ये और भी हैवी बनेगा, तगड़ा बनेगा। और इसे 15 दिन तक रखना है आपको, 15 दिन तक सड़ाना है इसको। 15 दिन के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आपको तीखी स्मेल आएगी, बहुत तीखी स्मेल आएगी। तो उसको क्या करना है, फिर बढ़िया से हिला लेना है और बीच बीच में जो 15 दिन का आपका समय लगेगा उसे बीच बीच में आप चाहें तो उसे थोड़ा सा हिलाते रहें, ठीक है। हिलाने से वो बढ़िया से मिक्सअप होगा। तो जब ये 15 दिन 18 दिन की अवधि समाप्त हो जाएगी तो किसी पतले कपड़े से, सूती कपड़ा लीजिए, बाल्टी में बांध करके उसे धीरे धीरे छान लीजिए। छानने का मतलब क्या होगा कि छानने से जो चटनी के इसके जो चीज़ें होंगी जो वो छन जाएंगी, जो आपके पंप को अवरोध न करें स्प्रे करने में, ये चीज़ें छन जाएंगी तो उसे छान लीजिए। छान करके उसे आप एक तरफ रख लीजिए और रखने के बाद जो चीज़ें बचेंगी, जो अपशिष्ट इसके बचेंगे, उनको आप ज़मीन में डाल सकते हैं, पौधों की जड़ों के पास डाल सकते हैं, उसके भी फायदे बहुत हैं। नीम का ये यदि इसकी खली आपको मिल जाए तो नीम की खली को भी खेत में डालेंगे, इसके फायदे बहुत हैं। अब जो आपने तैयार किया है, आपका जो 20 से 25 लीटर का जो पदार्थ निकला है, बिल्कुल ये सफ़ेद निकलेगा आपको, हल्का हल्का हरा लिए हुए वाइट कलर का निकलेगा। और जब ये निकल जाए तो आप 1 लीटर में 5 ml, ध्यान से सुनिएगा, 1 लीटर में 5 ml इसकी मात्रा लेनी है, यानी 15 लीटर पानी में 75, ठीक है, 75 ml, 80 ml लेकर के इसको स्प्रे करना है खेतों में। इससे क्या क्या कंट्रोल हो, यदि जब आप स्प्रे करें तो प्रयास करें यदि अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन बाद करेंगे तो उसके परिणाम, जो प्रैक्टिकल मैंने कराए हैं, मैंने देखा है कि अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन बाद करने से या अमावस्या पूर्णिमा के दिन करने से ये देखा गया है कि इल्लियों पर काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला है। क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अधिकांशतः कीट आपके खेतों में अंडे देते हैं, या तो अमावस्या के दिन आपने कर दिया तो अंडे देने के समय जब इल्ली आपके खेत में आएगी तो उसे गंध ऐसी लगेगी कि फिर वो अंडा नहीं दे पाएगी, वो भाग जाएगी। और जो अंडे दे दिए होंगे या फिर अमावस्या पूर्णिमा के बाद आप करते हैं तो अंडे की ऊपरी लेयर को तोड़ देगा तो आपके खेतों में कीट कंट्रोल रहेगा। मित्रों, इस क्रिया को करने में आपने देखा होगा, इस क्रिया को करने में आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। आपका पात्र बड़ा, 20 लीटर 25 लीटर का डब्बा, 40 लीटर का डब्बा घर पे पड़ा होगा। नीम आप कहीं भी गांव में यदि हैं तो नीम के पेड़ से ये गुठलियां तोड़ सकते हैं। मैं इसको खा भी रहा हूं, ये हमारे लिए भी फायदेमंद है, हम भी खा सकते हैं इसको। तो इसे आप करके यदि बनाएंगे तो एक तो ये बिल्कुल फ्री है, और दूसरा यदि आपके खेतों में कीट का प्रकोप ज़्यादा हो तो इसका डोज आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। यानी 5 ml आपने डाला है उसको 10 ml तक कर सकते हैं, 15 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको कहूँगा कि जब डोज बढ़ाइए तो पहले छोटे से एरिए में करके देख लीजिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई दुष्प्रभाव तो इसके नहीं आ रहे हैं, और दुष्प्रभाव नहीं है तो पूरे खेतों में इसका स्प्रे करिए। इससे रस चूसने वाले कीट, फल को खाने वाले कीट, माहू जो लगते हैं वो बहुत बढ़िया से कंट्रोल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी आप किसी चीज पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि किस चीज पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं अगले वीडियो में प्रयास करूंगा कि उस चीज पे आपको वीडियो दूं। और मैं जो भी बता रहा हूं ये चीजें मैंने प्रैक्टिकल कराई है, आप प्रैक्टिकल करके देखें, फ्री में और सबसे असरदार कीटनाशक ये बनेगा नीम के फलियों से। तब तक के लिए अब जब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।